ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेन जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ, सभी का लिंक आप सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस गाइस, आप सभी इसमें एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि गाइस, इसमें ना थोड़ा डार्क रिटचिंग करनी है। मैं तो यार लाइट रूम वाला मिस मत करना यार, बिल्कुल भी ठीक है। तो वो वाला भी पार्ट देख लेना। बाकी चलिए, आज की इस नई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, एंड फुल एचडी बैकग्राउंड है, बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद आप सभी को करना है कि ऐड फोटो में जाना है, एंड आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है। एंड गाइस, मॉडल का जो बैकग्राउंड है मैंने पहले से इरेज कर रखा है। एंड गाइस, जिसको इरेज करना नहीं आता, मैंने अभी रिसेंटली एक नई वीडियो बनाई है एकदम, उसमें मैंने बहुत ईजी स्टेप में आप सभी को समझा रखा है। तो उस वीडियो को आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैंने दो तीन वीडियो और बना रखी है, आप उन वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलिए गाइस, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे जो है पहले आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है, एंड उसके बाद थोड़ा इरेजर टूल में जाके फिर क्या करना है आप सबको, यहाँ पे पहले ओपेसिटी कम कर लेनी है। ठीक है, ओपेसिटी कम कर लेने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, इरेजर टूल में जाना है फिर यहाँ से। ठीक है, तो पहले मैं आप साइड में टैप करता हूँ एक बार, एंड इसको आपको मॉडल का थोड़ा जो साइज़ है मैं इसको जो हमारा दूसरा मॉडल है उससे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे इरेजर टूल में जाने के बाद आप सबको हार्डनेस को यहाँ पे फुल कर लेना है। ठीक है, तो अभी मतलब कि हार्डनेस को फुल मत करना, क्योंकि अभी हमें नीचे का इरेज करना है। तो पहले हम नीचे का इरेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हार्डनेस को फुल करके इरेज करेंगे। ठीक है, तो अब हम हार्डनेस को फुल कर लेंगे, एंड उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, अब देखो पहले कैसे ऐसे इस तरीके से आपको पहले अच्छे से इरेज कर लेना है, एंड उसके बाद आप सबको फिर अच्छे से इस तरीके से मतलब आपको पेंट करना है। ठीक है, मतलब कि देखना है कि लकड़ियाँ जो हैं उसके साइड साइड में आपको सिर्फ पेंट करना है। ठीक है, तो ऐसा ईजी हो जाएगा, आप चाहो तो डायरेक्ट इरेज भी कर सकते हो साइड साइड से। बट गाइस, ये वाला जो स्टेप है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला ये थोड़ा ईजी है। ठीक है, आपसे हो भी जाएगा अच्छे से, तो ये वाला आप भी करना यूज़। ठीक है, तो उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, थोड़ा सा जो ऊपर की तरफ है वहाँ से भी आप सभी को कुछ इस टाइप से इरेज कर लेना है। ठीक है, तो ओपेसिटी कम करके करना, ओपेसिटी को फुल करके करोगे तो यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाएगी आप सभी की। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ओपेसिटी कम करके करना, एंड कुछ इस टाइप से इरेज कर लेना साइड साइड से। एंड उसके बाद तो हमारा कुछ पार्ट है ही नहीं यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ से फटाफट इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आप सबको मैं यहाँ से डन कर लेंगे, ऐसे ओपोसिटी फुल कर लेंगे। तो देखिए गाइस, हमारा मॉडल लग रहा है कि हाँ उस लकड़ियों के उस पार खड़ा है। ठीक है, तो उसके बाद आप सबको अब क्या करना है, यहाँ पे अभी आप सभी को यहाँ पे कुछ मतलब डन नहीं करना है, आप सबको जाना है ऐसे ऐड फोटो में। ठीक है, डायरेक्टली ऐड फोटो में चले जाना है, एंड उसके बाद गाइस आप सभी को ये वाला पीएनजी मिल जाएगा स्पाइडरमैन की ड्रेस वाला। ठीक है, तो इसको आपको ले लेना है, एंड उसके बाद गाइस आपको कुछ इसी टाइप से पोज कर लेना है। ठीक है, कुछ इस टाइप से पोज कर लेना है, एंड उसके बाद आपसे कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा देना अपने हैंड के पास। देखिए गाइस, पूरा एकदम सेट हो गया है। तो आप भी अगर ऐसा कोई पोज करोगे तो ऐसे सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये कर लेना है, एंड उसके बाद डन कर देंगे हम यहाँ से। एंड उसके बाद हम जाएंगे दोबारा ऐड फोटो में, एंड गाइस ये वाला हम एक पीएनजी ले लेंगे। ठीक है, तो इस पीएनजी को जो है हमें अपनी चेस्ट के पास लगाना है। तो एंड गाइस, आप लोग भी अपनी चेस्ट के पास थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, यानी कि बटन खोल के फोटो को क्लिक करना। एंड उसके बाद आपसे कुछ मैं थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ, एंड उसके बाद मैं इसको ले जाऊँगा यहाँ पे अपनी चेस्ट के पास। ठीक है, तो आप सभी को कुछ इस टाइप से ले जाना है। एंड गाइस, इसके पीछे आप सभी को एक शेडो डालनी है। तो शेडो कैसे डालनी है, आप सभी को काइन मास्टर में मिल जाएगा, सॉरी काइन मास्टर कह दिया गाइस गलती से मैंने, पिक्स आर्ट में आप सभी को मिल जाएगा। तो आप सभी को कुछ इस टाइप से पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन में पहले तो इसको मैं बराबर साइज कर लेना है। ठीक है, एंड उसके बाद आप सभी को फिर एडजस्ट में जाना है, एडजस्ट में जाने के बाद आप सभी को इन दोनों को फुल कर देना है। एंड गाइस, जो फर्स्ट वाला इसको आपको कम कर देना है। ठीक है, 50 तक कर देना है। एंड गाइस देखिए, यहाँ पर आपकी शेडो बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे काफ़ी ऑसम लग रहा है अभी हमारी फोटो यहाँ पे। तो गाइस अभी जो है अभी इसमें हमें थोड़ी सी शेडो बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे ड्रॉ टूल में। ओके गाइस, तो ड्रॉ टूल में जाने के बाद आप सभी को यहाँ से गाइस ब्रश पे क्लिक करना है, इसके जो ओपेसिटी है आप सभी को यहाँ पे थोड़ा कुछ अराउंड 14 तक रख देना है। ठीक है, 14 तक रख देने के बाद आप सभी को फिर नीचे जूम करना है, लकड़ियों के पास जो आपको शेडो बनानी है। ठीक है, तो क्योंकि यार जो आप लकड़ियों से अगर आप उस साइड खड़े हो तो यार आप सभी को दिखाना पड़ेगा ना कि शेडो भी पड़ रही है हमारी, तो शेडो बनाना आप सभी को जिस टाइप से। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, जो शेडो है हमें गाइस एक ही लेयर में नहीं बनानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और लेयर बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक और इम्पिटी लेयर बनाने के बाद आप सबको कुछ इस टाइप से यहाँ पे कुछ इस तरीके से शेडो बना लेनी है। ठीक है, एकदम अच्छी तरीके से बिल्कुल। एंड गाइस, शेडो बनाने के ऊपर मैंने एक पूरी प्रॉपर वीडियो भी बना रखी है, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आपको चेकआउट करना हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आप सबको शेडो बना लेनी है। एंड उसके बाद देखिए, यहाँ पे हमारी शेडो जो एकदम परफेक्ट तरीके से बन चुकी है, तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ से कर देंगे डन। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आप सभी को अब क्या करना है, आप सभी को अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आप सभी को यहाँ पे सिर्फ आप सभी को फोटो को सेव कर लेना है, एंड इसके जो कलर करेक्शन है वो करनी है हमें, वो भी लाइट रूम ऐप के अंदर। तो गाइस यहाँ से हम चलेंगे बैक। ठीक है, तो बैक जाने के बाद हम यहाँ पे लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेंगे। एंड गाइस यहाँ पे हमारी फोटो ऐड हो चुकी है, तो आप सभी को करना है लाइट वाला ऑप्शन में जाना है, एंड यहाँ पे आपको उसको डार्क करनी है फोटो को। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, हाईलाइट को कम कर देना है। ठीक है, एंड जो शेडो है इसको भी हल्का सा कम कर देना है। ठीक है गाइस, तो उसके बाद जो व्हाइट है इसको आप सभी को थोड़ा सा कम कर देना है। ठीक है, एंड जो ब्लैक है इसको भी कम कर देना है। ठीक है, कुछ इतना कर देना है। एंड गाइस देखिए, हमारी फोटो जो डार्क हो चुकी है, अब जाना आपको कलर्स वाला ऑप्शन है, वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, एंड टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देना है, एंड जाना मिक्स टूल में ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, सैचुरेशन को थोड़ा माइनस कर देना है, एंड उसके बाद स्काई डार्क ब्लू में जाना है, इसकी सैचुरेशन को माइनस कर देना है, एंड जाना पर्पल कलर में इसकी सैचुरेशन, बाकी सबकी सैचुरेशन को जो आपको माइनस कर देना है। ठीक है, सबकी सैचुरेशन माइनस कर देना है यहाँ पे।
एंड उसके बाद गाइस देखिए अभी हमारी फोटो है जो दोनों मॉडल है जो बिल्कुल मैच हो चुके हैं ठीक है। तो उसके बाद आप सभी को करना है कि आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको ये वाला ऑप्शन में जाना है, फिर क्लियरिटी को बढ़ा देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे क्लियरिटी हल्का सा कम कर लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे नीचे विग्नेट वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको उसको विग्नेट डाल देना है। एंड उसके बाद आप सभी को स्क्रॉल करोगे तो ग्रेन अमाउंट मिलेगा, आपको उसको ही बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जाना नीचे वाले टूल में, फोटो को जो शार्पनेस आपको उसको इंक्रीज कर देना है। एंड जो नॉइस रिडक्शन है आप सभी को इसको भी बढ़ा देना है। एंड नीचे आप सभी को लास्ट में मिलेगा कलर नॉइस रिडक्शन ठीक है, तो आपको उसको भी बढ़ा देना है ठीक है। तो गाइस फाइनली जो हमारी फोटो का रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने है, तो गाइस देख सकते हो आप। तो मैं आप सभी को पहले बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो गाइस देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।